आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के माहिर इन्वेस्टर कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल ऐसे कौन से स्टॉक या कंपनी है। आइए चलते हैं, देखते हैं इस बारे में। इससे पहले, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। राकेश झुनझुनवाला के इस स्टॉक ने एक साल में दिया मल्टीबैगर रिटर्न, क्या आपको खरीदना चाहिए? आइए देखते हैं। इस साल बहुत से स्टॉक में जोरदार रिटर्न दिया है। स्टॉक मार्केट के माहिर इन्वेस्टर कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल टाटा मोटर्स इन्हीं में से एक है। इसी कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक वर्ष में लगभग 147% का रिटर्न दिया। झुनझुनवाला के पास इस कंपनी में 1.14% हिस्सेदारी। हालांकि जून तिमाही में झुनझुनवाला के टाटा मोटर के स्टॉक में बिकवाली कर अपनी हिस्सेदारी को 1.29% से घटाकर 1.14% किया है। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि इस ऑटोमोबाइल स्टॉक में मौजूदा प्राइस जारी किया जा सकता है। इसके शॉर्ट टर्म में 340 रुपये तक जाने की संभावना है। डोमेस्टिक मैजेसर व्हीकल्स मार्केट में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी का टाटा पर मोटर्स से कब्जा कर रही है। इसके अलावा कंपनी को स्क्रैपेज पॉलिसी के साथ भी फायदा मिलने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स ने नेक्सन ईवी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उतरने की घोषणा की है। कंपनी के इस ईवी वेरिएंट की बिक्री बढ़ रही है। इसके अलावा चाइना की इकोनॉमिक में तेजी आने से कंपनी की सब्सिडियरी जगुआर लैंड रोवर को भी फायदा होगा। कंपनी के स्टॉक का 280 से 295 रुपए के बीच मजबूत सपोर्ट है। इन्वेस्टर इसमें मौजूदा लेवल पर 340 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। उन्हें 280 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टाटा मोटर्स के स्टॉक में पिछले एक महीने में कमजोरी दिख रही है। हालांकि हाल ही में 284.45 रुपए के लो लेवल के बाद इसमें कुछ रिकवरी आई। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को दिए अच्छा रिटर्न दिया है और यह लगभग 147% बढ़ा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।